बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अब्बास शबीर। पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खौफ की अगर अलामत है तो वो करोना वायरस है। पूरी दुनिया को करोना वायरस ने अपनी लपेट में ले रखा है, लेकिन हम अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में भी एक कयोस, स्पेशली सिंध और बलूचिस्तान में, जहाँ पर मामूलात ज़िंदगी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मअतल है। तमाम दफातर, तमाम चीज़ें, इवन के घरों में लोग आइसोलेट हो चुके हैं, क्योंकि हुकूमत सिंध और हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से ये रिक्वेस्ट थी कि अगर इस कोरोना से मुकाबला करना है तो 3 दिन के लिए हमें आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। और यही गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने अपनी तकरीर में, बल्कि जो मीडिया पर्सन के साथ बात की थी, उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया था कि हमें कोरोना को, कोरोना के ख़िलाफ़ जंग है बेसिकली, और हमें इस जंग को जीतना है सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। कोरोना ने जहां पूरी दुनिया की मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, मईशत बैठ चुकी है, क्योंकि जो मुल्क इस दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं वो मुल्क इस वक्त शट डाउन की कैफियत में है, और पाकिस्तान भी उसी कैफियत में आने वाला है, बल्कि आधा पाकिस्तान जो है वो आ चुका है। हमारी बॉर्डर जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, जो वाघा बॉर्डर के साथ साथ जो हमारे दूसरे ट्रेड के रास्ते हैं वो भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। इवन कि आज खबर ये है कि पाकिस्तान में जो फ़्लाइट ऑपरेशन है, यानी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, वो भी 2 हफ्ते के लिए बंद कर दी गई हैं। जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो पाकिस्तान में ही हैं, और जो पाकिस्तान से बाहर इस वक्त पाकिस्तानी मौजूद हैं वो भी बदकिस्मती से अब पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते। इसके साथ साथ अब ये बात की जा रही है कि बैनुसूबाई राबता सड़कें, स्पेशली जो पंजाब और सिंध को रास्ते मिलाते हैं, उनको भी बंद कर दिया जाए। ट्रेनें तो ज़्यादातर बंद हो चुकी हैं, और मुस्तकबिल में 24 तारीख को मज़ीद ट्रेनें भी बंद होनी है। तो अब इस तरह लग रहा है कि आमदोरफ़्त और जो कम्युनिकेशन का रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर आइंदा 1 हफ्ते में बंद कर दिया जाएगा। बड़ी संगीन सूरत हाल है, और इस सूरत हाल से निपटने के लिए हमें एहतियाती तदाबीर करना होंगी। जवाद फैजी बड़े सीनियर एंकर पर्सन हैं और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े पुराने मेरे दोस्त हैं। 20 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी लाहौर में, जब ये एक अखबार के चीफ रिपोर्टर थे, और वहाँ पर मैं भी उस अखबार में एक स्पोर्ट्स पेज का काम करता, तो वहाँ पर मेरी और जवाद फैजी को दोस्ती हुई। मंजे सहाफ़ी हैं, बड़ी नज़र है, हर चीज़ को बड़ा करीब से परखते हैं और उस पर बात भी करते हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ भी मुंसलिक रहे हैं एज एंकर, और अब भी एज एंकर एक टीवी चैनल के साथ काम कर रहे हैं। थैंक यू जवाद फैजी ज्वाइन करने का। जवाद फैजी, पूरी दुनिया की मईशत जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, होल्ड हो चुकी है पूरी दुनिया। अच्छा, मैं इसमें आपसे ये बात, आपके साथ बात करने से पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि यूरोपी ममालिक भी, जो के कहते थे कि हम हुक्मरानी करते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि जब कश्मीर लॉकडाउन हो रहा था, तो पूरी दुनिया से ये मुतालबा करते थे पाकिस्तानी और कश्मीरी कि इस लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाए। और आप देखें कि कैसी कुदरत है खुदा की कि आज कश्मीर को लॉकडाउन करने वाले, कश्मीर की लॉकडाउन की हिमायत करने वाले जो ममालिक थे वो खुद लॉकडाउन का शिकार हैं। यानी पूरी दुनिया इस कश्मीर के लॉकडाउन के बाद बंद हो चुकी है, लॉक हो चुकी है। तो ये भी एक कुदरत का कमाल है, बल्कि उन मासूम कश्मीरियों की ये बदवा है जिनको लॉकडाउन में रखा गया था, जिनको खाने पीने की चीज़ों से महरूम किया गया था, जिनके तमाम रास्ते, उनका घर बंद कर दिया गया था। आज जिन ममालिक ने इस लॉकडाउन के लिए आवाज़ नहीं खड़ी की थी, आज वो तमाम मुल्क जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ऐसे लॉकडाउन हैं कि चले कश्मीरी तो फिर भी कुछ ना कुछ खा पी रहे थे, कम अज़ कम किसी बीमारी के साथ मुंसलिक नहीं हो रहे थे, लेकिन आज पूरी दुनिया इस वजह से लॉकडाउन है और बीमारियों के साथ उनको मुंसलिक किया गया है और वो लॉकडाउन है। सबसे पहले जवाद फैजी हम इस नुक्ते पर बात करते हैं कि अमरीका, बरतानिया, यूरोप, सारे ममालिक, इवन के एम्स्टरडेम, जिसको सिटी ऑफ लाइट्स एम्स्टरडेम को कहा जाता है, वो भी मुकम्मल लॉकडाउन में। देखिए अब्बास, आपने जो बात की, पिछले दिनों हमारे अखबार ने बल्कि लीड ये लगाई कि दुनिया वालों लॉकडाउन कैसा लगा कश्मीर। आपने जो बात अभी की कि कहीं ना कहीं सदाएं पहुंचती हैं, कहीं ना कहीं से रद्द अमल आता है, और जिसने कहना है ना कुन हो जा फयकून हो जाना है, लिहाजा अब सारे गिड़गिड़ाने लग गए हैं। हालांकि मैं यहां से आगाज़ करना चाहूँगा अब्बास शबीर कि अगर हम तालीमात, किसी भी मज़हब की तालीमात का हवाला दें तो उसमें यह कि कितने वाक़ियात हैं।
फलां कौम झूठ बोलती थी, गारत हो गई, फलां कौम मुनाफकत करती थी, गारत हो गई, फलां कौम इस जुर्म में फंसी हुई थी, गारत हो गई। अब कौन सा ऐसा अमल है जो इस वक्त दुनिया में नहीं होगा? लिहाजा कुछ चीज़ें तो हमें ये भी देखनी पड़ेंगी। रह गई बात जहाँ तक पाकिस्तान या पूरी दुनिया की, तो उसमें फॉर श्योर के जितने मर्जी हम बहादुर तुर्रम खान साइंसदान बन जाएं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका तोड़ हम निकाल नहीं पा रहे, वक्त लगेगा। अब देखें ना, चमगादड़ और सांप से बात शुरू हुई, अब यूरोप में तो चमगादड़ नहीं खा रहे, उसका सूप तो नहीं पिया जा रहा, कैसे पहुंच गया? मेरी वायरोलॉजिस्ट जो मरूफ है उनसे बातचीत हुई, तो उनका भी यही कहना था कि बेसिकली दो तीन चीज़ें। एक तो ये वायरस ऐसा है, इसका नाम कोरोना क्यों है? कोरोना इसलिए है कि इसकी शेप वो क्राउन की तरह की है, इस वजह से इसका नाम कोरोना है। अब ये उससे भी ज़्यादा अकसाम में तकसीम हो गया है, अब ये बढ़ गया है, एक एल टाइप और एक एस टाइप, उसकी दो शक्लें बन गई हैं। अब वो इजीली मेरे आप पे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मिसाल चूँकि हम अपनी देंगे किसी की नहीं देंगे, मेरे आप पे खुदा ना खास्ता वो आता है, तो वो पहले जो क्राउन था ना, वो मेरे गले के अंदर जाके नाक के ज़रिए कहीं फिट हो जाता था, अब वो चूँकि शेप्स उसकी ज़्यादा हो गई हैं, अब उसका ख़तरा मज़ीद बढ़ गया है। ये नई रिसर्च आई है और चाइनीज़ साइंसदान ने ही इसको किया है। इसके साथ साथ जो आप बात कर रहे हैं ना कि फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो अब ऑपरेशनल नहीं रहा, उसको भी चलें हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान तो मुकम्मल तौर पर, एक तो बड़ी सैडनेस है सड़कों के ऊपर, आप देखें रूह का आलम है, यानी हर बंदा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात कर रहा है, कोरोना। शेक हैंड्स हमारी एक रिवायत थी, गले मिलना हमारी एक रिवायत थी, वो हमारी अभी भी मैं देख रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी भी लोग कहते हैं अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक है डेफिनेटली, उसी मालिक ने ही कहा है कि अपनी एहतियात करो, अपनी जान को सबसे पहले बचाओ। एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। लेकिन मैंने अन्ने वाह हाथ आगे कर देना है, गले लग देना, यार हम 20 साल से आपने जिस तरह जिक्र किया अब्बास, तो हम गले रोज़ ही लगते रहे हैं ना, अब नहीं चार दिन लगेंगे। बल्कि मेरी जो बात हुई माहरीन से, उनका ये कहना था कि माओं को बच्चों को अब चूमना भी नहीं चाहिए, वो भी रुक जाए। अब तो फैजी मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी अपने घर अपनी फैमिली के करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम भी दिन भर जो है वो बड़े लोगों से हमारी मजबूरी है, कि हमारी मजबूरी है, हम फिर भी अगले महाजों पे हम नहीं होना है ना, अगले महाजों पे तो हम ही होते हैं, हर लेवल पे कोई भी मसला हो जाए, कोई भी नाखुशगवार वाकया हो जाए, लेकिन सिचुएशन फिर भी वर्स्ट की तरफ जा रही है। देखें जो है वो इस्लामाबाद में अब्बास शबीर साहब, एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, पोलन एलर्जी शुरू हो गई है। अब पोलन एलर्जी उसके भी सिम्टम्स वही हैं और कोरोना के सिम्टम भी वही हैं, आपको सांस का मसला है, आपका जिगर का। आपने बात की ना यूरोप की, चले जरा थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। मेरी जो बात हुई वायरोलॉजिस्ट के साथ, उन मैंने कहा जी चीन में तो चमगादड़ है, सांप है, उतने इटली च की है, उन्होंने कहा अल्कोहल जो है वो जहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती है वहाँ इसके असरात ज़्यादा हैं। अच्छा हाँ, हमने वो सुना ना, बड़ी हमने यहाँ पे बड़े मज़े लेते हैं सोशल मीडिया पे, मेरे भी दोस्त हैं हॉलैंड में ना, उनसे मेरी रोज बात होती है वीडियो कॉल के ऊपर, मसूद मुगल साहब, बड़े बड़े प्यारे दोस्त हैं, और वो बिल्कुल एम्स्टर्डम सेंट्रल में, जी जहाँ बिल्कुल एम्स्टर्डम सेंट्रल में वो होते हैं, और वहाँ पे ये हिसाब होता है कि वहाँ पे कंधे से कंधा टकरा रहा होता है, क्योंकि एयरपोर्ट से एम्स्टर्डम सेंट्रल मोस्टली जो टूरिस्ट हैं वो एयरपोर्ट से उतरते हैं, ट्रेन लेते हैं और एम्स्टर्डम सेंटर में आ जाते हैं, तो वो वीडियो कॉल पे अमूमन डेली बेसिस के ऊपर मुझे वहाँ का बताते हैं कि ये तू यहाँ पे घूमता फिरता था, देख यहाँ पे भूख आलम है। तो वो बता रहे थे कि मेरी किसी डॉक्टर से वहाँ पे बात हुई, वहाँ के किसी लोकल डॉक्टर से, तो कह रहा था कम अज़ कम 3 महीने शट डाउन रहेगा। तो पूरे यूरोप के अंदर आप देख लें, इटली, फ्रांस, जर्मनी, हर जगह पर ये बहुत ज्यादा बड़ी तेजी से स्प्लिट हो रहा है। देखें न्यूयॉर्क, लेकिन पाकिस्तान में अब हमें एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, जो कि हम बिल्कुल एज अ सोसाइटी ले रहे हैं ना, हम बड़ा इजी सा इसको ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, देखी जाएगी। अभी भी आप देखें कि जहां पर मैं मौजूद हूं, ये बनता है जहां पे हम बैठे हैं, ये नहीं बनता है, 250 लोग हम लोग हैं जो मीडिया के जरिए कौम की शऊर को बढ़ाएंगे, लेकिन अगर हम इसके ऊपर खुद इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, मुंह मुंह पागे साजिशें कर लेने के इलेक्शन में, तुमने क्या करना, तुमने क्या करना, यार ये तो कोई बात ना हुई, ये सच्ची बात है, हमें अपनी चीज़ों पे भी गौर करना चाहिए। और अब्बास साहब मेरी बात सुने, आप देखें इकॉनमी किस कदर बैठेगी, आप ये देखें, मुझे ये डर है, और इमरान खान साहब ने जो बात ये कही भी कि अगर हम दिहाड़ीदारों को बंद कर देंगे तो ये अफरा तफरी मच जाएगी, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है। हाँ, इस मौके पे मेरा आपका ये फ़र्ज़ है कि हमारे घर करीबी जो लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, मेरे घर में काम करने वाली आज माई आई,
میں نے کہا ماں جی السلام علیکم، یا پیسے تھوڑے پڑھو اور اپنے جا کے راشن پورا کرو۔ یہ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کس کو اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر بن کے انے وائی مجمع میں گھس جائیں، ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں جہاں اخلاقی اقدار کا پرچار ہم کر سکیں وہ ہمیں اس وقت کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ عباس صاحب کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کا دن میرا آخری دن ہے یا ابھی ایک سیکنڈ میں ہوں یا نہیں ہوں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں گے، ابھی جس طریقے سے ہمیں شعور آنا چاہیے وہ شعور ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یار میں مری گیا ہوں عباس شبیر صاحب، میں دیکھنے کے لیے گیا اپنا پروگرام کرنے، مری گیا ہوں۔ لوگ وہاں عرفان حیدر بھی اس وقت بھی کیمرے کے پیچھے، اس وقت بھی میرے ساتھ تھا وہ عرفان، اس میں نے لوگوں سے عرفان حیدر کل میں آپ نے بات کی، یہ ایک ویڈیو بنا کر آیا کہ کچھ جو چائنیز سی پیک کے لیے آئے ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے جو ڈرائیورز گئے ہوئے انہوں نے پورا ایک یونیفارم پہنا ہوا ہے اور یہ ان کے ساتھ کھڑا تھا، ویڈیو بنا رہا تھا، تصویریں بنا رہا تھا۔ تو جب یہ مجھے ملا اور جب میں نے وہ ویڈیوز دیکھی تو میں نے اس کو کہا، میں کہا تو چائنیز سے تو نہیں مل کر آیا؟ تو ان لوگوں انہوں نے کہا نہیں جی، میں ان سے ابھی قریب سے گزرے تھے، چائنیز ملا نہیں۔ تو اب ابھی ابھی وہ ہمیں حفاظتی انتظامات ہمارے وہ نہیں ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ یار یہ ماسک مجھے آپ نے تحفہ دیا، تھینک یو ویری مچ، لیکن مجھے بتائیں، میں اسٹور سے ہو کے آیا ہوں ایف 11 جیسے ایریا سے، بلیو می وہاں ماسک نہیں ہے، سینیٹائزر نہیں ہے، ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ یار مجھے بتائیں کہ اس کا کیا ہوگا۔ فلائٹ آپریشن کی ہم بات کر رہے تھے، آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے کہ فلائٹ آپریشن پرائم منسٹر نے اس کی منظوری دی ہے 2 ہفتوں کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس، کہ پاکستانی جو ہیں جو ہے جہاں جہاں طیارہ باہر ہے وہ واپس آنے تک صرف اجازت ہے۔ دیکھیں نا کہ ایشیا پیسیفک کو $50 ارب کا نقصان ہو چکا ہے فلائٹ آپریشن بند ہونے کی وجہ سے، ہر طرف سے جو ہے وہ ہمیں چیزیں کلوزنگ کی طرف۔ امریکہ میں کتنی جابس ختم ہو جائیں گی، پاکستان کے اندر بھی یہی ہو۔ اب میں بات صاحب میں اس وقت یہ بھی بات کروں گا کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ پلیز اللہ کے واسطے اپنی جگہ پہ ٹک جائے، رک جائے۔ سب سے پہلے ہم تو یہ دعا گو ہیں، ہمارے جتنے اوورسیز ہمیں دیکھنے والے ہیں ان کے لیے، کیونکہ وہاں پہ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو پلیز آپ اپنا ٹیک کیئر کریں، بڑے اچھے طریقے سے آئسولیشن میں رہیں، اپنے گھروں میں رہیں، کیونکہ جو اوورسیز پاکستانی اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں نا، وہ اس وقت ان کو یہاں کی بھی فکر ہے، ان کی فیملیز یہاں پر موجود ہیں، اگر ان کی فیملیز یہاں پر نہیں ہیں، ان کے ساتھ وہاں پر ہیں، تو ان کے بہت سے ریلیٹیوز یہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ چیز بڑا اوکھا پردیس ہے۔ تو سب سے پہلے تو بھائیوں، جو لوگ جو بھی ہمارے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ آپ اپنا وہاں پر خیال کریں اور بس پینک نہیں کریٹ کریں، پینک نہیں کریٹ کریں، ہنسے مسکرا دیں۔ اور ہم یہاں پر جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ہم ان کے لیے بھی یہی وشز کرتے ہیں اور یہی ہم ان کو آخر میں آسانی کی بات بتاؤں، تھوڑا سا احتیاط کریں۔ مجھے وہ اسکلز یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر مختار صاحب، امریکہ میں 22 سال رہے، وہ مجھے بتا رہے تھے، پہلے ایچ ای سی میں بھی ہوتے تھے۔ یس جی ڈاکٹر مختار، بڑے ایشیا چلے گئے پھر واپس آئے تو ابھی یہاں۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب مجھے کیا کہہ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو ایک بات بتاؤں، برٹش ایک سائنسدان ہے، اس نے ان حالات میں یہ کہا ہے کہ جنوری کے اندر، دسمبر جنوری کے اندر برطانیہ میں آبادی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ یورپ اور برطانیہ میں لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں ٹک کے، تو اس میں پھر آبادی بڑھ جائے گی، تو لہٰذا آبادی بڑھا لیں۔ اچھا کل بڑا ایک مزیدار میسج تھا کہ پہلے لکھا ہوا تھا کرائم روبری 0000 ہبیز اینڈ وائفز 84,000 کے، جس طرح اس قسم کے جوکس بھی جو ہیں وہ کرونا کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے جس پر ہمیں فوکس کرنا پڑے گا اور ہمیں صرف اور صرف اس کے لیے احتیاط کرنی ہوگی، نہ صرف اپنے لیے احتیاط کرنی ہوگی جو بلکہ جس سوسائٹی کے اندر اور جن دوستوں کے ساتھ آپ موو کرتے ہیں ان کو بھی بچانے کے لیے مجھے آپ کو اور ہر کسی کو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ جواد فیضی تھینک یو ویری مچ، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، جس طرح آج فلائٹ آپریشن بند ہوا، جو پاکستان کی اس وقت اور دنیا کی صورت حال ہے اس پر تھوڑی سی بات چیت کی، مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اللہ کرے کہ یہ چیز ختم ہو جلد از جلد، یہی ہماری دعا ہے۔ عباس شبیر کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔